हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे सिंपल स्लीव की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर लॉन्ग स्लीव की करी है। आज जो है हम छोटी स्लीव बनाएंगे, मतलब 8 इंच लेंथ की। तो ये देखिए, मैंने कपड़ा लिया है। और कई कमेंट आते हैं कि मैम हम कैसे बनाएं स्लीव, मतलब कि लंबाई में भी बना सकते हो आप और चौड़ाई में भी बना सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं है कि खाली लंबाई में बनाना है, तो कैसे भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कपड़ा लिया है, ये 2 फोल्ड में है अभी, और इसको मैं 4 फोल्ड करूँगी। और जो सीधा है वो अंदर है, उल्टे साइड से हमें बिछाना है क्योंकि हमने निशान लगाना है इसमें। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और 4 फोल्ड करके ना आपका ये चौड़ाई 10 इंच आना चाहिए, मतलब 9.5 और 9 भी चलेगा, पर 10 इंच में हर तरीके की, हर साइज की स्लीव बन जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड कर लिए हैं। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो स्लीव है वो तो हमारी बनेगी 8 इंच की, बन के तैयार होगी लेंथ। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ेंगे जो कि हमारा कुर्ते में दब जाएगा, 1/2 इंच। और ये 1.5 इंच हम फोल्डिंग का ले लेते हैं यहाँ पे। तो 9.5 पे हो गई, यहाँ से 8 इंच। यहाँ पे स्लीव का जो बॉटम है पूरा राउंड में 12 इंच है, तो यहाँ पे हम 6 इंच में निशान लगाएंगे। और 1.25 इंच हम लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से हम 3 इंच नीचे जाएंगे इस तरीके से, ये 3 इंच में मैंने निशान लगा दिया, इसको भी सीधा कर लेंगे। और अब जो हमने शेप देनी है वो किस तरीके से देनी है, मैं कुर्ता उठा लूँगी और उससे नापेंगे। तो उससे क्या होगा कि कई बार क्या होता है, स्लीव जब हम कुर्ते में जॉइंट करती है तो कई बार बड़ा या फिर छोटा हो जाता है। तो जिस तरीके से मैं बताऊँगी उस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आपका बैठेगा। तो ये देखिए, ये मैंने कुर्ता लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इस तरीके से पैच वर्क का डिज़ाइन देखना है तो मेरा एक दूसरा चैनल जिस पर मैं सिर्फ डिज़ाइन की ही वीडियो डालती हूँ, नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, तो आपको अगर देखना है तो मेरा दूसरा चैनल का नाम है नूर फैशन स्टूडियो, आप उसको भी देख लेना एक बार अगर डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हैं तो। तो इसका मैं आर्म होल नाप लूँगी, यहाँ से 2 इंच तो ये मार्जिन का है। तो ये शोल्डर से इस तरीके से रखूँगी मैं, और इस तरीके से ये हम नाप लेंगे। तो ये 9.5 आ रहा है, तो इस तरीके से हम ले लेंगे। ये हमारा 9.5 पे निशान लग गया है, यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच। और अब हम शेप लगाएंगे, और इन निशानों को इससे मिला लेंगे। और फ्रंट का शेप इस तरीके से थोड़ा गहरा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कट हो गई है। तो अब इसका ये वाला फ्रंट काटने के लिए इस तरीके से 2 लेयर में लेंगे हम स्लीव को, और इस तरीके से कर लेंगे। और जब आप ये फ्रंट काटते हो ना, तो इस तरीके से सीधा सीधा अंदर होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये फ्रंट काटें। और यहाँ पे कट लगा लें सेंटर में। तो फ्रेंड्स, कट चुकी है हमारी स्लीव। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।